हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं एक्सल 6 के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। आप सबको बताएंगे इस गाड़ी का ऑनेस्ट रिव्यू, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मेरे साथ है वीरेंद्र जी, जो कि इस गाड़ी के ऑनर है और जिनको ये गाड़ी खरीदे लगभग 7 to 8 months हो चुके हैं। तो आप सबको इस गाड़ी का अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। तो सर, ये एक्सल 6 का कौन सा वेरिएंट है और आपको कितने का पड़ा ऑन रोड? सर ये है 1.5 अल्फा। ओके, और ये ऑन रोड मुझे पड़ गया 11 lakh और ऑलमोस्ट 32,000 का। ओके, कंप्लीट इसमें ये आ गया सारा, सीट्स भी आ गई, लेदर सीट्स आ गई, एक्सेसरीज आ गई है, तो ये साथ में हो गया इसका सारे मैट वगैरह। ओके जी, तो मैं आपको बता दूं कि ये हरियाणा के प्राइसेस है, हम हरियाणा के सिरसा में, और ये प्राइसेस जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। तो सर, अब ये बताइए कि आपका यही गाड़ी खरीदने का प्लान क्यों बना? इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, और आपने किस किस गाड़ी के साथ कंपैरिजन किया और फिर एक्सल 6 का ही प्लान क्यों बना? सर जनरली मेरी दो ही रिक्वायरमेंट थी, एक तो गाड़ी पेट्रोल की, ओके, और दूसरा मिनिमम 6 सीटर हो, जो हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट थी। ओके, तो अकॉर्डिंगली 2-3 गाड़ियाँ देखी, चेक की, और सही बताएं जो इस रेंज के अंदर हम बोल रहे हैं 11 to 10 to 15 lakh के अंदर, तो ये सबसे अच्छी गाड़ी जो मुझे लगी। गाड़ियाँ और देखी, एटिगा थी, डीजल में भी देखी कुछ गाड़ियाँ, और 5 सीटर में भी गाड़ियाँ देखी, जैसे इको स्पोर्ट थी, तो लेकिन वो कंफर्टेबल चलाने में जो इसमें मज़ा आया और कंफर्ट लगा इंटीरियर और सिस्टम सारा, तो उनमें वो फीलिंग नहीं आई। इवन करेटा भी देखी मैंने एक बार तो, ओके, लेकिन उसमें भी वो कम्फर्ट नहीं आया जो इसमें आ रहा है, उसमें इंटीरियर का मज़ा नहीं आया, और जो इसका इंटीरियर सिस्टम अच्छा है इसका और चलाने में भी अच्छी है। तो ओवरऑल आपको सीटिंग कंफर्ट और इंटीरियर्स के कॉम्बिनेशन के साथ ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। टेस्ट ड्राइव कौन कौन सी गाड़ी के साथ किया था वैसे? टेस्ट ड्राइव तो काफ़ी होगी सर, एटियोस भी थी। अच्छा, और अभी ध्यान में नहीं है, ये होंडा की थी अमेज, ओके, उसका भी था, और ओके, ओके। 2-3 गाड़ी और भी थी, ध्यान में नहीं अभी सारी। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे कम्फर्ट लगा जो। तो सर आपने ये ब्लू कलर लिया जी, और काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कलर को लेके भी, कि वाइट ले, ब्लू ले, ग्रे ले, तो आपका ब्लू का फाइनलाइज कैसे हुआ? ब्लू का एक्चुअली मेरे पास पहले वाइट थी कार, okay. 2-3 कार वाइट थी, एक फ्रेंड के साथ हमने देखी ब्लू है उसके पास, तो 2-3 कलर मैच किए तो बस पसंद आ गया रॉयल ब्लू, ये लगा कि अच्छा लगेगा, और अच्छा। कई लोगों ने, अपने फ्रेंड्स ने, फैमिली ने पसंद भी किया इस कलर जी। और बात करें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, माइलेज क्या मिल रही है आपको इस गाड़ी से? माइलेज सर अगर आप डिसेंट स्पीड पे चलाओगे, मान लो 120 ना करके आप 90s 100s पे चलाओगे, तो भी 17-18 की मिल जाती है माइलेज, और अगर आप और अच्छा करोगे 70 स्पीड पे आओगे तो 20 प्लस भी मिल जाती है माइलेज। ओवरऑल मैं निकालूँ लोकल और हाईवे सारा करके तो 15-16 की तो मिनिमम है, नहीं तो 17-18 की भी एवरेज ठीक है इसकी। अभी तक कितनी चल चुकी है गाड़ी? 6,000 जी। तो आपका एक्सपीरियंस आई थिंक हिल स्टेशन पे भी रहा है? बिल्कुल, हम गए हैं तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? कभी आपको ऐसे लगा कि पावर में कमी आ रही है ऊपर चढ़ाते हैं, या आपको लगता होगा कि गाड़ी पीछे जा रही है, गियर लैग्स की दिक्कत आ रही है, या फिर माइलेज आपको क्या मिली वहाँ पे? नहीं, जो आपने क्वेश्चन पूछा जब हम प्लानिंग कर रहे थे जाने की, तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था कि वहाँ जा रहे हैं तो क्या रहेगा, कैसी है गाड़ी, जो जैसे लंबी गाड़ी है हम सोच रहे हैं तो शायद उतनी पावर ना हो इसके अंदर, ठीक है, तो लेकिन हम गए, मैकलॉडगंज गए, डलहौजी गए, तो उस साइड गए तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, कंफर्ट भी अच्छा रहा, और माइलेज वहाँ पे 15-16 की मिल गई हमें। ओके, बिल्कुल। तो कितने लोग गए थे आप? तो हम 4 जने थे, 4 जने फ्रेंड्स थे। तो आपका लगेज भी होगा? लगेज बिल्कुल, लगेज के लिए हमें जो लास्ट वाली वो सीट थी नीचे रख के, तो लगेज बहुत स्पेसिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पूरे ट्रिप के ड्यूरेशन में आपको कभी ऐसा लगा 4 लोगों के साथ, या आपने कभी फुली लोडेड गाड़ी के साथ भी ट्राई किया हो, कि ओवर मींस आप ओवरटेकिंग कर रहे हैं जी, जी, तो पिकअप में कहीं प्रॉब्लम आई? नहीं, पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पिकअप में वैसे हमने देखी है हाईवे के अंदर, जो और भी चेक किया तो 6 to 7 फ्रेंड्स भी गए हैं सारे लोग एक साथ में, तो पिकअप में कोई दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी में आपको पावर की पूरी मतलब सेटिस्फाइड है? पावर से पूरी सेटिस्फाइड है, बिल्कुल, एवरेज से भी सेटिस्फाइड है। और ड्राइविंग की बात करें, आपको ड्राइविंग में कितनी स्मूथनेस लगती है? आपको लगता है कि गियर लैग्स है, या फिर स्टीयरिंग जो है वो हैवी ज्यादा है, लाइट ज्यादा है, उतना मजा नहीं आता, ऐसा कभी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि बता रहा हूँ इंटीरियर तो बहुत इसका अच्छा है, और कंट्रोल भी अच्छा है। मैं 90s 100 की स्पीड पे
ब्रेकिंग सिस्टम भी चेक किया है और जो इसका क्रूज कंट्रोल वगैरह जो और फीचर्स हैं, तो बड़ा बड़ा कंफर्टेबल जो सीट है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो लॉन्ग ड्राइव पे आपको कभी ऐसा लगा कि थकावट जो है वो हो रही है सीटिंग कंफर्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। और बात करें सबसे अच्छी चीज़ों की, आपको गाड़ी में कौन कौन सी चीज़ें सबसे अच्छी लगी, पॉजिटिव लगी? सबसे अच्छी तो सीटिंग, सीटिंग जो इसकी सीट्स हैं, जो सीटिंग जो सीट्स का डिज़ाइन है वो बहुत कंफर्टेबल है, और उसके बाद जो इसका कंट्रोल है, म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, प्लस जो क्रूज कंट्रोल मिला है इतने कम, जो मैं बोलूँगा कम पैसों के अंदर, आप मान लो ठीक है इस रेंज के अंदर क्रूज कंट्रोल मिलना ये गाड़ियों में मिलता ही नहीं है। मैंने और भी एक चेक किया था, नेक्सॉन का बताना भूल गया आपको, वो भी गाड़ी देखी अच्छी थी सब था, लेकिन क्रूज कंट्रोल उसमें भी नहीं है, तो क्रूज कंट्रोल ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है जी। इस गाड़ी की ब्रेक्स आपको कैसे लगी? ब्रेक्स सही लगे सर, अच्छे, मैं बता रहा हूँ 90s के 100 की स्पीड पे दो एक दो बार सिचुएशन हुई, एकदम से ब्रेक लगाने लगे तो कोई दिक्कत नहीं आई। और सस्पेंशन सिस्टम की बात करें इस गाड़ी के? सस्पेंशन भी सही है सर, पहाड़ी एरिया में गए जाओ उस तरह से तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कंफर्टेबल नहीं है, मतलब कहीं आपको ऐसे खड्डे ऐसे नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल, जो SUV हम फीलिंग लेते हैं, हम बोलते हैं कि छोटे मोटे शॉकर्स हम इग्नोर कर देते हैं, हाँ तो उनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और म्यूजिक सिस्टम की बात करें, कभी आपको ऐसा लगा कि टच में लैग है या फिर म्यूजिक सिस्टम का रिस्पॉन्स जो उतना नहीं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, अपर कारप्ले है, कनेक्ट करते हैं जैसे मैं आईफोन इससे कनेक्ट कर रखा है सारा, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है इसका, जो हम सीरी वगैरह यूज़ करते हैं सारे, ओके वो सारी फीचर्स हैं। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लगी जो कि आपको नेगेटिव लगे और आपको लगता है कि मारुति सुजुकी को इम्प्रूव करने चाहिए थे, नेक्सा को इम्प्रूव करने चाहिए थे? जी सर देखो एग्जैक्टली तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग सब कंप्लीट है। ओके दो चीज़ें हैं जो मुझे प्रॉब्लम है, एक तो लाइटिंग की, लाइटिंग जो मेन इसकी हेडलाइट है, तो आज मैं चेक भी करवा के हैं उसको, तो उसकी लाइट उतनी हाइट पे नहीं जा रही जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं गाड़ी से। ओके ठीक है, इवन मैं बलेनो भी देखी है और भी गाड़ियाँ हैं इन्हीं की नेक्सा की, तो उनमें लाइटिंग अच्छी है, इसमें थोड़ा लगा, तो मैं सर्विस स्टेशन गया तो उन्होंने थोड़ा सा किया उसको एडजस्ट, देखते हैं अभी कैसे रहता है। और दूसरी जो चीज़ है जो मैं आपको बात कर रहा था 90s पे 100 पे मैं चला रहा हूँ, बड़ा कंफर्टेबल है सब सिस्टम है, लेकिन यही गाड़ी जब 120 पे चलती है 110-120 पे तो वहाँ जैसे कहते हैं ना कि ऐसा लगता है गाड़ी थोड़ी हल्की है, उतनी सेफ फील नहीं होता गाड़ी के अंदर बैठे हुए, कॉन्फिडेंस नहीं आता, हाँ उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये लगता है गाड़ी चल रही है ठीक है कंफर्टेबल है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता गाड़ी उतनी सेफ है, जैसे 90s 100 पे लगता है कि ठीक है यार कोई भी दिक्कत आई ब्रेकिंग हो जाएगा, तो वो थोड़ा लगता है, लेकिन वहाँ भी चला के देखा गाड़ी ठीक है, सेफ है। साउंड की जरूर थोड़ी सी है, जैसे हम कुछ गाड़ियों में देखते हैं कि जो बाहर की साउंड है वो काफ़ी हम बोल देते हैं साउंड प्रूफ बोल देते हैं इस तरह की चीज़ें, हाँ वही मैं, हाँ थोड़ी सी बाहर की नॉइस है इसमें, बाहर की नॉइस यानी कि विंड नॉइस अगर आप कहें, या फिर जो टायरों से जो नॉइस आती है नीचे से, आप विंड नॉइस कह सकते हैं, टायरों की नॉइस की कोई ऐसा कुछ नहीं है। ओके जी, तो दोस्तों हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर गाड़ी का रिव्यू लेके आए, और पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो कंफ्यूजन है गाड़ी को लेके वो हम दूर करें। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि आप हमारे लिए कर सकते हैं, और आपके लिए सिर्फ एक या दो सेकंड का काम है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये था XL6 का एक ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू, सो वंस अगेन थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल, सो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, जय।